यह एनसीआर की एक्सरसाइज टेन पॉइंट टू है और ये फर्स्ट प्रॉब्लम है फ्रॉम ए पॉइंट क्यू लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल इज ट्वेंटी फोर सेंटीमीटर्स एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रामी फाइव सेंटीमीटर्स द रेडियस ऑफ द सर्कल इज इसको समझने के लिए हम इसकी एक रफ फिगर बनाते हैं मान लीजिए कि ये सर्कल है क्यू पॉइंट से टेंजेंट की लेंथ ट्वेंटी फोर सेंटीमीटर्स है तो अगर हम Q पॉइंट को यहां ले लेते हैं और इस पॉइंट को P ले लेते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को तो ये लेंथ 24 फोर सेंटीमीटर्स है इसके साथ साथ सेंटर से Q का डिस्टेंस दे रखा है 25 फाइव सेंटीमीटर्स अब अगर P पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है तो ये रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हो जाएगा इसका मतलब ये 90 डिग्रीज हो जाएगा टेंशन डिज पर पेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सो दिस एंगल इज नाइन्टी डिग्रीज अगर ये एंगल 90 डिग्रीज है ये 24 है ये 25 है अब हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे ओ पी स्क्वायर विल बी ओ क्यू स्क्वायर माइनस पी क्यू ये हो गया हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर पी स्क्वायर ये लगाया हमने ओ क्यू इज ट्वेंटी फाइव एंड पी क्यू इज ट्वेंटी फोर सो सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी फाइव माइनस फाइव सेवेंटी सिक्स फोर्टी नाइन बन जाएगा ओपी सेवन सेंटीमीटर्स आ जाएगा और यही रेडियस है इस तरह से ए ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा इन फिगर इफ टीपी एंड टी क्यू आर द टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर ओ सो दैट एंगल पीओ क्यू इज हंड्रेड एंड टेन डिग्रीज देन एंगल पीटी क्यू इज इक्वल टू ये सर्कल है विद सेंटर ओ टी एक एक्सटर्नल पॉइंट है यहां से दो टेंजेंट टीपी एंड टी क्यू इस सर्कल पर हैं एंगल पीओ क्यू हंड्रेड एंड टेन दे रखा है और हमसे ये एंगल मांगा गया है टीपी टेंजेंट है ओ पी रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इनके बीच में एंगल नाइन्टी हो जाएगा टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट तो टीपी ओ पी परपेंडिकुलर हो जाएंगे और ये एंगल नाइन्टी डिग्रीज हो जाएगा सेम ही यहां ये भी नाइन्टी डिग्रीज हो जाएगा अब ये क्वाड्रिलेटरल बन चुका है जिसके तीन एंगल हमें पता है और एंगल टी निकालना है तो एंगल टी प्लस एंगल पी प्लस एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल क्यू इज इक्वल्स टू थ्री तो हंड्रेड सिक्सटी डिग्रीज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स एंगल टी निकालना है ये नाइन्टी डिग्रीज है हंड्रेड एंड टेन डिग्रीज है ये एंगल पी ओ क्यू और ये भी नाइन्टी डिग्रीज है और एंगल टी आ जाएगा सेवेंटी डिग्रीज तो इस तरह से बी ऑप्शन राइट ऑप्शन है अब थर्ड प्रॉब्लम है इफ टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी फ्रॉम ए पॉइंट पी टू अ सर्कल विद सेंटर ओ आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ एटी डिग्रीज देन एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू हमें पी ए पी बी दो टेंजेंट्स किए गए हैं फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट पी ये पी ए है ये पी है और ये पी ए पी वी दो टेंजन लेंस है और इसका सेंटर है ओ अब हमें ये एंगल 80 डिग्रीज दिया गया है और हमसे मांगा गया है पी ओ ए ये एंगल हमसे मांगा गया है. हम जानते हैं जब दो टेंजेंट्स किसी एक्सटर्नल पॉइंट से खींचे जाते हैं तो सेंटर उन दोनों से जो एंगल बनता है उसके बायसेक्टर पर लाइक करता है इसका मतलब ये 40 डिग्रीज है ये भी 40 डिग्रीज है ये 80 डिग्रीज दे रखा है तो ये दोनों 40 40 डिग्रीज हो गए ये हम जानते हैं कि 90 डिग्रीज है क्योंकि tangent इज परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सो दिस एंगल इज 90 डिग्रीज अब हम इसको निकाल सकते हैं और ये 50 डिग्रीज आ रहा है एंगल सम प्रॉपर्टी लगा करके तो 50 डिग्रीज इज द राइट आंसर इसका ऑप्शन ए राइट ऑप्शन होगा